अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पठान ब्लॉग्स में। दोस्तों आज मैं वीडियो जो लेके आया हूँ वो बहुत ही खास टॉपिक पे लेके आया हूँ कि मुसलमान लोग इज्तिमा क्यों करते हैं। मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा कि तुम मुसलमान इज्तिमा क्यों करते हैं, इज्तिमा में क्या होता है, क्या बोलते हैं। और मैंने सोचा कि फिर इस पर वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि काफ़ी सारे हमारे हिंदू भाई है जो मेरे चैनल पर काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर भी है, उनको भी ये सवाल आता होगा दिमाग में तो मुसलमान इज्तिमा क्यों करते हैं, इज्तिमा में क्या होता है। तो मैंने सोचा कि चलो इस पर एक वीडियो बनाते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, इज्तिमा मतलब एक सम्मेलन जिसे मुसलमानों की मीटिंग कह सकते हैं आप, जहाँ पे सभी मुसलमान इकट्ठा होते हैं और दीन की यानी इस्लाम की बातें होती है, नमाज के बारे में बताया जाता है। तो ये जो इज्तिमा है ये गाँव लेवल से लेकर तो राष्ट्रीय लेवल तक यानी देश लेवल तक का इसका आयोजन किया जाता है। और जो देश लेवल का जो इज्तिमा है और स्टेट लेवल का, ये तो 8-10 सालों में एक बार इसका आयोजन होता है, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के होते हैं, जिला लेवल के, इनका तो 1 साल या 2 साल में इसका आयोजन किया जाता है। तो ये इज्तिमा में होता क्या है? इज्तिमा में जो है तो मुसलमान जब इकट्ठा होते हैं तो जो हमारे जो इस्लाम के जो मौलवी है, उलमा, उनको मौलवी को उलमा कहा जाता है, तो वो जो है तो नमाज के बारे में, इस्लाम के बारे में बयान करते हैं। बयान यानी प्रवचन, वो बताते हैं मुसलमानों को कि नमाज़ कैसी पढ़नी चाहिए, उसके बाद में हमारा जो जीवन है, हम सवेरे नींद में से उठने से लेकर तो रात तक सोने तक हमें कैसा जीना चाहिए, हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जीवन का तरीका बताया है उस तरीके से ज़िंदगी कैसी गुजारनी चाहिए। फिर उसके बाद में जो है तो ये दुनिया तो ख़त्म होने वाली है, मरना तो सभी को है, मरने के बाद में जो ज़िंदगी जो शुरू होती है, हर मुसलमान उस पर यकीन रखता है कि वो ज़िंदगी जो है तो असल ज़िंदगी है, वो ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए यानी जन्नत में जाने के लिए यानी स्वर्ग में जाने के लिए हमें किस तरह से आचरण करना चाहिए, हमारा जो रोज का जीवन है वो कैसा जीना चाहिए, तो वो बारे में सब वहाँ पे मौलाना जो है तो बयान करते हैं, प्रवचन करते हैं। मौलाना के इन बयानों में खास कर तरीके जो टॉपिक होता है कि जो आजकल जो काफ़ी सारे लोग जो है तो समाज के अंदर पैसे कमाने के चक्कर में कुछ गलत कामें करते हैं, बुरी आदतों के शिकार हो चुके हैं, तो उन लोगों को जो बुरी आदतों में पड़ गए हैं, गलत रास्ता पकड़ लिए हैं, उनको उस गलत रास्ते से हटा के सही रास्ते पे लाने का काम, उनकी बुरी आदतों को छुड़ाने का काम ये सब करते हैं। आजकल समाज के अंदर बहुत सारी बुराइयाँ बढ़ गई है, तो मौलाना जो है तो उसके बारे में बताते हैं, अगर अच्छे काम करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, बुरे काम करेंगे तो उसके नुकसान क्या है, ये सभी बता के एक प्रबोधन करने का काम जिसे कह सकते हैं हम मौलाना जो है तो वो करते हैं। मौलाना के बयान के अंदर जो मुख्य बातें होती है नमाज के बारे में, इस्लाम के बारे में, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, पैगंबर के जीवन के वक्त की जो कुछ घटनाएं हैं उनका जिक्र किया जाता है, मतलब वो घटनाएँ बताई जाती है कि मुसलमानों ने उससे कुछ सीखना चाहिए, और सभी मुसलमानों ने जो है तो गलत रास्ता छोड़कर, बुराई का रास्ता छोड़कर अच्छाई के रास्ते पाना चाहिए और अल्लाह को खुश करना चाहिए, राज़ी करना चाहिए, ताकि मरने के बाद उनको जो है तो जहन्नुम से बच जाए और वो जन्नत में दाखिल हो जाए। यही सब उसमें मौलाना उनके बयान के अंदर, उनके प्रवचन के अंदर ये बताते हैं। दूसरा जो काम होता है वहाँ पर वो है सामूहिक शादियाँ। आजकल आप देख रहे हैं कि शादियों का जो खर्चा है बहुत बढ़ गया है, फिजूल की खर्ची, फिजूल के रीति रिवाज, हुंडा, दहेज, ये सभी को इस्लाम के अंदर मान्यता नहीं है, ये सब इस्लाम के अंदर हराम है, दहेज लेना, उसके बाद में हुंडा लेना, तो ये सभी के बारे में भी मौलाना बताते हैं कि हुंडा नहीं लेना चाहिए, शादियाँ जो है तो एकदम सिंपल तरीके से करनी चाहिए। और इसी तरीके से वहाँ पर एकदम सिंपल तरीके से शादियाँ भी का आयोजन किया जाता है। फिलहाल में जो औरंगाबाद का जो चितेगांव में जो इज्तिमा हुआ है वहाँ पे लगभग 300 से ज़्यादा शादियाँ बिना कोई खर्चे के, बिना एक रुपये खर्च किए वहाँ पे शादियाँ लगाई गई है। और ख़ास तौर पर एक तीसरा एक और एक काम वहाँ पे जो इज्तिमा के अंदर किया जाता है कि जो मुसलमान भाई जमात में जाना चाहते हैं, जमात यानी एक 8-10 लोगों का एक ग्रुप होता है, इसमें ऐसे 8-10 लोगों के कई सारे ग्रुप होते हैं, वो अलग अलग जगह पर उनको भेजा जाता है, अलग स्टेट में, अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग गांव में, और वो ये बातें जो दूर दूर जो मुसलमान भाई रहते हैं
उनको ये बताते हैं कि नमाज का महत्व, उसके बाद में ज़िंदगी कैसे जीना है। ये जो यहाँ पे जो इज्तिमा के अंदर जो मौलाना जो बताते हैं बयान के अंदर, वही बात जो है तो ये जमात वाले लोग हर गांव गांव घर घर जाके सभी मुसलमानों को बताते हैं। तो यहाँ से ऐसी कई सारी जमातें निकलती है, 8-10 लोगों के ग्रुप होता है, इसमें कई सारी जमातें निकलती है। उन ग्रुप के एक हेड होते हैं लीडर, जिनको हम आमिर साहब कहते हैं। वो आमिर साहब के अंडर में सब 8-10 लोग चलते हैं। इन 8-10 लोगों में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको इस्लाम के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है और पैगंबर के बारे में कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है। तो ये जमात जो है तो 10 दिन की, 40 दिन की, 4 महीने की, ऐसी जमातें निकलती है। तो ये 10 दिन, 40 दिन, 4 महीने में जो लोगों को कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है, वो भी उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आमिर साहब होते हैं जो विद्वान होते हैं, वो सब ये 40 दिन में, 4 महीने में उन लोगों को सभी सिखाते हैं। ये जमात का ये एक तीसरा काम होता है। और चौथा आखिरी का जो एक काम है वो है सामूहिक प्रार्थना यानी दुआ। ये जो दुआ है, ये दुआ के अंदर जो है तो ये आमतौर पर इज्तिमा 2 या 3 दिन का होता है। 2 या 3 दिन में जितनी पब्लिक वहाँ पे, जितने लोग वहाँ पे इकट्ठा होते हैं, उससे करीब 10 गुना ज़्यादा ये सामूहिक प्रार्थना के दिन लोग इकट्ठा होते हैं। हर कोई सामूहिक प्रार्थना यानी दुआ के अंदर शामिल होना चाहता है। और ये जो दुआ है ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं होती है, बल्कि पूरे आलम के लिए, आलम यानी पूरा विश्व के शांति के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए, सभी मानव जाति के कल्याण के लिए यहाँ पे प्रार्थना की जाती है। इस दुआ के अंदर अल्लाह से अपने गुनाहों के लिए, जाने अनजाने में कुछ गुनाह हो जाते हैं, पाप हो जाते हैं, इसके लिए माफ़ी मांगी जाती है यानी क्षमा मांगी जाती है। और जो लोग परेशान है, बीमार है, कोई किसी भी जाति धर्म के हो, सभी की परेशानी दूर करने के लिए, उसके बाद में जो बीमार है उनकी बीमारियों को दूर करने के लिए अल्लाह के सामने प्रार्थना की जाती है, और विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना की जाती है। और ये सब दुआ जो है करीब 40-45 मिनट तक की ये दुआ चलती है। इसके अंदर सभी के लिए सुख शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। और ये दुआ ख़त्म होने के बाद में इस इज्तिमा का समारोह होता है, मतलब इज्तिमा मुकम्मल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और जिस तरह से लोग अपने गाँव से, अपने घरों से आए थे, उसी तरह से शांतिपूर्वक लोग आराम से अपने अपने घर चले जाते हैं। और जो लोग जमात में जाने का जिन्होंने इरादा किया है, नियत की, अपना नाम लिखाया है, वो जो अपने अपने जहाँ पे उनको जगह जाने के लिए बोला गया है उस जगह पे वो रवाना हो जाते हैं। इस तरह से इज्तिमा के अंदर काम होता है। दोस्तों उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। और जो आपको कोई पूछता है कि मुसलमान लोग इज्तिमा क्यों करते हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने औरंगाबाद के चिते गांव के इज्तिमा का बहुत ही खूबसूरत एक वीडियो बनाया है, वो भी डाल रहा हूँ, वो भी देख के जाइएगा। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।